बाकी सारे ड्राइवर को इंटरेस्ट रहता है कि इसी गाड़ी को हमको मालिक दे कि हम इसी गाड़ी को चलाएं। अच्छा, आरामदेह रहता है। अच्छा, क्योंकि आरामदेह है, हम लोगों को रिलैक्स रहता है। ओके, मतलब थकावट नहीं होता है। रात भी इससे काम करना हो, ड्राइवर सोचता है कि हमको मिल जाएगा ये गाड़ी तो हम पूरा रात काम करेंगे। ओके, मतलब ये गाड़ी चलाने के लिए हर ड्राइवर तत्पर रहता है, कॉम्पिटिशन रहता है ड्राइवर में। क्या बात है, यही गाड़ी हमको मिले की मालिक की तरफ से की हम यही गाड़ी चलाए। और ईट का गुणवत्ता भी बचता है उससे। बिल्कुल हाँ, जैसे दो बार लोड अनलोड होता था, एक ही बार लोड अनलोड होता है और जगह पर चला जाता है, इसीलिए हमारा कम से कम साल का 10 लाख रुपया इससे बचना है। फ्यूचर में हम ये भी सोचा है कि और जो कंपनी का गाड़ी है उसको हटा करके सारे गाड़ी को बोटा ही करना है। क्या बात है, मतलब अन्य जो ट्रैक्टर है आपके पास, अब आने वाले समय में उसको हटा के कुबोटा में कन्वर्ट होंगे। क्या बात। हे गाइस, मैं अविनाश एक बार फिर से आप सभी का पूरे दिल से स्वागत करता हूँ आपका अपना ब्लॉगिंग चैनल अभी ब्लॉग्स में। सो गाइस, आज आपका भाई बिहार के एक सबसे खूबसूरत जगह पे आ चुका है, जहाँ के भाई भाषा भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और भाई, यहीं की धरती से मैं आज आपको ऐसे ट्रैक्टर ऑनर से मिलवाने वाला हूँ जिनके पास एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 ट्रैक्टर है। और आइए, ये तीनों ट्रैक्टर एक साथ इन्होंने क्यों खरीदा है इसकी जानकारी के लिए मैं मिलवाने जा रहा हूँ ट्रैक्टर ऑनर से। हेलो भैया, नमस्कार। नमस्कार भैया, थोड़ा अपने बारे में बताइए और आप कितने वर्ष से इस ट्रैक्टर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? लगभग 2008 से हम ट्रैक्टर इंडस्ट्री में 2008 से कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पास कुछ ना कुछ तो अनुभव होगा, क्योंकि कोई भी जो किसान या कोई भी जो ट्रैक्टर लेने जाते हैं, जो पहली बार जाते हैं, तो उनके पास अनुभव नहीं होता। लेकिन आप 2008 से काम कर रहे हैं, तो इतने अनुभव के बावजूद आपने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 कुबोटा ट्रैक्टर लिया है, इसके पीछे क्या कारण है थोड़ा हमारे समय को बताएं। यही है कि हम जो 8 से ट्रैक्टर चला रहे हैं, लगभग 6-7 कंपनी यूज किए हैं, जिसमें महिंद्रा हो गया, पावर ट्रैक हो गया, आपको सोनालिका हो गया, ये सब ट्रैक्टर हम रखे हुए हैं उस टाइम से। हाँ हाँ, सबको देखते हुए ये जो नया ट्रैक्टर पिछला साल हमने लाया कुबोटा का, हाँ हाँ, ये ट्रैक्टर हमको सबसे अच्छा दिखा। डीजल का भी बचत इसमें है, हाँ हाँ, और काम भी ज्यादा करता है और इसमें वाइब्रेशन भी नहीं है। ओके, इसके वजह से हमने सिलेक्शन किया कि अब सारे ट्रैक्टर को हटा करके यही ट्रैक्टर हमको रखना है। ओके, तो अभी आपके पास टोटल कितना ट्रैक्टर है? अभी हमारे पास टोटल 11 ट्रैक्टर टोटल 11 ट्रैक्टर है। और 11 ट्रैक्टर में अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए हर तरीके से, चाहे वो खींचने की क्षमता हो, चाहे वो डीजल सेवर की बात की जाए, तो सबसे बेस्ट आपको कौन सा लगा? सबसे बेस्ट हमको कुबोटा ही है। कुबोटा लगा। और कुछ ऐसा फीचर के बारे में बताइए जो आपको और अन्य ट्रैक्टरों में आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि आप 11 ट्रैक्टर के ऑनर हैं। कहने का मतलब है कि इसमें जो दिया हुआ है, हाँ, पहला कि एक तो वर्क करने में इसमें आरामदेह है, हाँ हाँ, डीजल का बचत है, हाँ हाँ, तीसरा फास्ट काम भी करता है और ट्रैक्टरों के अपेक्षा। ओके, अच्छा, अभी जब मैं अंदर गया था तो आपके पास एक मिनी ट्रैक्टर में एक आइसर भी था, तो अगर कंपेयर करें इस मिनी ट्रैक्टर को उस मिनी ट्रैक्टर से, तो क्या कुछ अंतर देखने को मिल जाता आपको? डीजल का बहुत अंतर है। डीजल का अंतर है और का भी अंतर है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिस दिन हम ये दोनों ट्रैक्टर एक ही साथ लाए, कुबोटा का छोटा वाला और आइसर का भी, तो डीजल में लगभग प्रतिदिन हमारा 34,000 ईट भराई होता है, जिसमें राउनिंग लगाना होता है, सब ट्रैक्टर एक ही राउनिंग से चलता है, तो 15 दिन चला जाता है कुबोटा का 10-20 लीटर में, और ये आइसर का 10 दिन में ही उतना ही डीजल ले लेता है। ओके, मतलब आप 15 दिन के बाद इसमें डीजल डलवाते हैं और आइसर में मात्र 10 दिन में। और ये जो आप जो ईटा लाते हैं, कितना नंबर ऑफ जो बात की जाए, छोटा वाला उस पे 1,000 ईट लोड करते हैं। ओके, और जो आइसर वाला उस पे 800 ईट लोड करते हैं। ऐसा मतलब ताकत की वजह से ये ज्यादा खींच पाता है। ताकत इसमें ज्यादा है। ओके, जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे अगर वो ट्रैक्टर लेना चाह रहे हैं? तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर ये जो नया टेक्नोलॉजी आया है, कम से कम एक ट्रैक्टर लेकर के अनुभव करें। हमारे कहने से तो नहीं होगा, खरीदेंगे तो अनुभव करेंगे। ओके, तो भैया ये तो हो गया मिनी ट्रैक्टर की बात, अभी आपके पास एक 45 HP में भी ट्रैक्टर है, थोड़ा सा इसके बारे में अनुभव हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर कर दें। हम यही आपको बताना चाहेंगे कि ये 1 साल हो गया हमको खरीदे हुए। हाँ हाँ, 1 साल पहले इसको हम लाए। हाँ हाँ, और हमारे पास कम से कम 5-6 कंपनी का ट्रैक्टर अवेलेबल है,
तो हम इसका तुलना खेती से तो नहीं लेकिन ट्रेनिंग से किए हैं। बेतिया जैसे हमारा ईंट लोड होके जाता है तो उसमें हमारा चार गाड़ी एक ही साथ गया। ओके। इसमें हमने डीजल रख करके टंकी में सबका नाप एक साथ किया, उसके बाद सब में 10-10 लीटर डीजल एक्स्ट्रा लगाया और उसके बाद भेजा। फिर उसके बाद जब वहाँ से अनलोड करके गाड़ी यहाँ पहुँचा तो सबका हमने ट्राई किया कि कितना डीजल किसमें लगा है। तो मेरा सोनालिका 11 लीटर खाया था। ओके। और 380 9 लीटर खाया था और कुबोटा मेरा 7 लीटर खाया था। क्या बात है, मतलब सबसे कम आपको सबसे कम यही खाया था। डीजल सेव करके दिया 4 लीटर का अलग अलग फर्क देखने को मिल गया। सोनालिका से 4 लीटर का। ओके। ये तो एक दिन का बात हो गया। अगर यही 4 लीटर अगर एक ट्रिप का, सही बात बोले, एक ट्रिप का हो गया, दो ट्रिप लग जाता है और कम से कम महीना में 60 ट्रिप हो गया तो आपका लगभग कितना का बचत हो जा रहा है? लगभग प्रतिदिन का, अगर प्रतिदिन इसे ट्यूब लगवाता है तो कम से कम 5 लीटर का बचत है। 5 लीटर का बचत आ रहा है। तो भैया इसके फीचर की बात किया जाए तो दूसरे ट्रैक्टर से इसमें फीचर आपको क्या कुछ अलग लगा, इसमें अनुभव क्या आपको हुआ? इसका हमको अनुभव यही है कि इसका सिंक्रोमैक्स गियर दिया है। ओके। ओके। जो बहुत आसानी से लग जाता है। ओके। और जो इसका ये क्लच का दिया है ये एकदम स्मूथ है, एकदम स्मूथ, एकदम नॉर्मल लगता है। और ट्रैक्टरों में बहुत जोर से दबाना पड़ता है। हाँ। ये बहुत आराम से लग जाता है। ओके। आराम से पुश हो जाता है ये। और ड्राइवर जो मेरे पास 11 ड्राइवर है और 11 गाड़ियों में 3 गाड़ियां मेरा अभी तक ये कुबोटा का है। बाकी सारे ड्राइवर को इंटरेस्ट रहता है कि इसी गाड़ी को हमको मालिक दे कि हम इसी गाड़ी को चलाएं। अच्छा। आरामदेह रहता है। अच्छा, क्योंकि आरामदेह है, हम लोगों को रिलैक्स रहता है। ओके, मतलब थकावट नहीं होता है। रात भी इससे काम करना हो ड्राइवर सोचता है कि हमको मिल जाएगा ये गाड़ी तो हम पूरा रात काम करेंगे। ओके, मतलब ये गाड़ी चलाने के लिए हर ड्राइवर तत्पर रहता है, कॉम्पिटिशन रहता है ड्राइवर में। क्या बात है, यही गाड़ी हमको मिले की मालिक की तरफ से कि हम यही गाड़ी चलाएं। भाई आप समझ सकते हो, आज मैं आपको डायरेक्ट इसके बारे में फ्यूचर में हम ये भी सोचा है। हाँ। कि और जो कंपनी का गाड़ी है उसको हटा करके सारे गाड़ी को कुबोटा ही करना है। क्या बात है, मतलब अन्य जो ट्रैक्टर है आपके हाँ। पास अब आने वाले हाँ। समय में उसको हटा के कुबोटा में कन्वर्ट होंगे। क्या बात है। और भैया अभी आप डीजल का इसमें बचत है, डीजल का बचत है सबसे, तो हमको देखना है डीजल का बचत। क्या बात है। और अभी आप बता रहे थे इस मिनी ट्रैक्टर के बारे में जो अभी आपसे बात हो रही थी, ट्रैक्टर के बारे में आपको ये अनुभव देंगे कि हम जो है इसको अपने ही हिसाब से इसको चिमनी पर्पस के लिए इसको खरीदे हैं। हाँ हाँ हाँ। और अपने हिसाब से इसका टेलोरी बनाए हैं। ओके। और साल में 50 लाख ईट हम मतलब प्रोटेक्शन निकालते हैं। तो 50 लाख ईट में हमको एक्स्ट्रा कम से कम 10 लाख रुपया बड़े ट्रैक्टर से पथारी से हमको ईट लाना पड़ता था यहाँ और फिर उसको ठेला से हमको अंदर घुसवाना पड़ता था। ओके। इस अनुभव को देखते हुए हमने अपना दिमाग लगाया और ये 1000 का टेलारी बनवाया और डायरेक्ट पथारी से आता है। डबल कॉस्ट जो लगता था 300 रुपया वो 150 रुपये में ओके ईट भाटा में चला जाता है डायरेक्ट और ईट का गुणवत्ता भी बचता है उससे। बिल्कुल हाँ। जैसे 2 बार लोड अनलोड होता था, एक ही बार लोड अनलोड होता है और जगह पर चला जाता है, इसीलिए हमारा कम से कम साल का 10 लाख रुपया इससे बचना है। क्या बात है। और जो भी इसको हम खरीद कर लाए, 4 रोज अभी हुआ था हमको खरीदे हुए, तो हमने थोड़ा सा हमको रोटावेटर चलाना था, 39 गाड़ी का रोटावेटर मेरे पास था जो 5 फीट लंबा है, उस रोटावेटर को हम ला करके इसे चलाए तो 39 से अच्छा ही रोटावेटर चलाया 4 गियर में। क्या बात है। गियर जब लगा के चलाएगा इतना अच्छा चला तो 39 से भी उतना अच्छा नहीं चलता है, अच्छा डीप होकर के जा रहा था। क्या बात है। अच्छा भैया बात कर ले इसके सर्विस का, क्योंकि कोई भी गाड़ी के लिए सबसे ज्यादा उसका सर्विस भी मायने रखता है, तो सर्विस में आपको कैसा इसमें देखने को मिल रहा है कुबोटा की तरफ से? सर्विस में इसमें माइनर खर्च है। ओके। ओके। अभी तक आपने सर्विस करवाया है? क्योंकि 1 साल हुआ है। एक का 3 सर्विसिंग करवा लिया बड़ा वाला का। ओके। इसका एक सर्विस कराया है। तो क्या सर्विस करवाने के लिए आपको एजेंसी जाना पड़ा या यहाँ? सर्विस करवाने के लिए एजेंसी नहीं जाना पड़ता है, ये सर्विस हो जाता है घर आके। सर्विस घर आके सिर्फ कांटेक्ट करना पड़ता है, बताना पड़ता है और सर्विस हो जाता है। तो ये आप जो कांटेक्ट करते हैं और यहाँ जो सर्विस मैन आते हैं वो कितना टाइमिंग हो जाता है, लगभग कितने देर में? 2-3 घंटा में हमारा दोनों गाड़ी हो जाता है सर्विस। क्या बात है भाई। आप सर्विसिंग के लिए मतलब समझ सकते हो 2-3 घंटे में कुबोटा आपको सर्विस करके दे देती है। अच्छा भैया, जो और भट्टा मालिक ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आपके तरफ से क्या स्पेशल? भट्टा मालिकों के लिए हम ये अपना संदेश देना चाहेंगे हाँ। कि इस तरह का अनुभव
हमारे पास जो है इसको यूज करेंगे तो कम से कम हर साल इस गाड़ी को अगर लेते हैं इस तरह का टेक्नोलॉजी अपना अपनाते हैं ट्रेलर का तो कम से कम उनको एक साल में 10 से 12 लाख रुपया बचत देगा। क्या बात है। और भैया एक आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, जो हमारे देख रहे हैं हमारे YouTube के फैमिली मेंबर, अगर जो यहाँ से बिलोंग करते होंगे अगर वो आपसे ईटा लेना चाहे तो आपके तरफ से कुछ ऑफर मिल जाएगा हमारे सब्सक्राइबर को? जरूर उनको ऑफर देंगे। तो कांटेक्ट कैसे करेंगे, थोड़ा वो अपना नंबर दे दीजिए ताकि अगर वो यहाँ से हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कांटेक्ट करने के लिए यही नंबर है मेरा, 8910902046। ओके। और एक और है 9661 61 32 00, यही कांटेक्ट नंबर हुआ, इस पर कांटेक्ट करेंगे और उनको हम लिख देंगे। तो भैया बात कर लेते हैं अगर आप परचेज का, तो ये तीनों ट्रैक्टर आपने कहाँ से परचेज किया? हमने बेतिया मोहित इंटरप्राइजेस से परचेज किया और वहाँ का जो जो भी सुविधा है बहुत संतोषजनक है, हमको परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आता है और कोई लेन देन में कोई समस्या नहीं है, मतलब इसलिए जो एजेंसी है उससे हम काफी संतुष्ट हैं। संतुष्ट है, मतलब उनका व्यवहार आपको काफी अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा कस्टमर के साथ उनका व्यवहार काफी अच्छा। व्यवहार तो उनसे बहुत पहले से चला आ रहा है। और दोस्तों मैं आपको दिखा दूं, अगर आप, मैंने वैसे भी कई सारे वीडियो मैंने दिए हैं यहाँ मोहित इंटरप्राइजेस के, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस पूरा आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप स्क्रीन शॉट लेके जा सकते हैं। अगर आप भी यहाँ से बिलोंग करते हैं भाई आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है दोस्तों तो इस वीडियो को जाके लाइक करिए, और आप चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि आपका भाई ऐसा ही ऐसे वीडियो लेके आता रहता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले ब्लॉग में फिर से कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बने रहें अभी ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।